हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे और हम दोनों भी एकदम मस्त हैं। अपना अपना स्टाइल है ना। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है शाम से। कुछ दिन पहले हम लोगों ने आप लोगों के साथ चैलेंजिंग वीडियो शेयर की थी और उस पर आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिखाया और ढेर सारे कमेंट भी आए थे। तो वो कमेंट आए थे फिर से चैलेंजिंग वीडियो बनाओ करके, तो उसमें ना आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया और आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए, उसके लिए तो एक बार हमारे ओर से थैंक यू सो मच। आज फिर से आ गया है चैलेंजिंग वाला डे, तो आज हम लोग फिर से चैलेंज करने वाले हैं और उस पर ना सबसे ज्यादा कमेंट्स आए थे मोमोज के लिए। तो यहाँ पे ना हमारे मोमोज आ चुके हैं और आज हमारे बीच में कंपटीशन होने वाला है मोमोज को लेकर। तो आज ना देवरानी जी और मुझे लग रहा है कि हम दोनों में से कोई जीत जाएगा, क्योंकि हाँ। मम्मी मोमोज इतना नहीं खाते ना, और हमारे फेवरेट भी हैं और काफी टाइम से भी नहीं खाए हैं। 5-6 महीने से ज्यादा हो गया हम लोगों ने मोमोज नहीं खा रखा है। और मतलब ना अगर ज्यादा गैप हो, ज्यादा लंबे टाइम बाद अगर आप लोग फास्ट फूड खाओ ना, तो और भी ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आज हम लोग ना टेस्टी मोमोज का कॉम्पिटिशन करने वाले हैं। देखते हैं आज का विनर कौन होता है। वैसे तो मुझे लगता है कि मैं हूँ, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है मैं भी, क्योंकि मैंने भी नहीं खाया ना कब से। वो भी है कि हम दोनों में से एक विनर होगा, चाहे ये हो चाहे मैं हूँ, खुशी बराबर होगी। लेकिन मम्मी को नहीं होने देना यार, कहीं पता चल रहा है मम्मी हो रहा है। पहले तो मम्मी ना मना कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी को ना गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, ज्यादा मोमोज नहीं खाते हैं। तो मम्मी ना मना कर रहे हैं आज मैं कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं लूंगी करके। तो देखते हैं नीचे जाके थोड़ा, मतलब अब जो भी जीतेगा उसको क्या मिलने वाला है वो बताएंगे मम्मी को। फिर देखते हैं मम्मी कॉम्पिटिशन में हमारे साथ जुड़ती है नहीं जुड़ती है। अगर मम्मी नहीं आएगी हमारे साथ तो आज कंपटीशन होगा देवरानी जेठानी के बीच में, और उसके बाद तो मैं ही जीतनी चाहिए फिर। जब दोनों में जो होगा, तो अगर सास बहू में हो तो बहू में से कोई भी जीते चलेगा, देवरानी जेठानी में हो फिर देखो आगे को क्या क्या होता है। और आज के मोमोज रहे ये, और हमारे पास हैं पूरे 60 मोमोज, मतलब 60 मोमोज हैं। तो देखते हैं कितने खा पाते हैं और कितने हमारे कॉम्पिटिशन में रखते हैं। और अब इनको ना फिर से स्टीम करते हैं, क्योंकि गर्मा गर्म मोमोज खाने में ना काफी ज्यादा मजा आते हैं। और अभी तो मुंह में पानी आ रहा है इनको देख के, भूमि में बोल रहे हैं ऐसे खा लेते हैं एक दो, कॉम्पिटिशन बाद में करते रहेंगे, है ना। चलो फिर अब चलते हैं नीचे, इनको स्टीम करते हैं, फिर फटाफट से कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग चैलेंजिंग वीडियो बनाने के लिए छत पर आए ना, यहाँ पे बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है और चारों ओर से मौसम ना काफी ज्यादा बिगड़ने लग गया है, चारों ओर काले बादल लग गए हैं। तो मौसम देख के ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा तेज बारिश होगी। अगर बारिश नहीं होगी तो हम लोग फिर से छत पर आएंगे वीडियो बनाने के लिए, बारिश होगी फिर हमें ना नीचे एडजस्ट होना पड़ेगा। और नीचे वीडियो बनाने में ये रहता है ना, वहां पर अंधेरा अंधेरा आता है, नॉइज आती है, तो आप लोगों को अच्छे से नहीं दिखा पाते हैं। उजाले में ये रहता है कि बैकग्राउंड भी मस्त हरा भरा रहता है और ठंडा ठंडा मौसम में हम लोग गर्मा गर्म मोमोज खाते तो मजे आते हैं। तो देखते हैं जो कुछ भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लोग मोमोज स्ट्रीम करते हैं और आप लोग ना कमेंट करके अपने अंदाजे से बताना कि आज का विनर कौन होगा, मम्मी होगी, भूमि होगी या मैं होंगी। तो आप लोग किसे सपोर्ट करना चाहते हो इस गेमिंग में। बाकी इस वीडियो में फिर से कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट चैलेंजिंग वीडियो हम लोग क्या बनाए और किसके ऊपर बनाए। रोटियों के भी आए थे कमेंट्स तो, लेकिन ज्यादा मोमोज के आए थे, तो हम लोगों ने सोचा ज्यादा जो कमेंट आए हैं ना उसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे। मोमोज स्टीम करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने ना पानी भी चढ़ा लिया है, साथ ही साथ ना अब थाली में से मोमोज इसमें डाल लेते हैं। और अभी हमारे पास स्टीमर नहीं है तो हम लोग ना यहाँ पर घरेलू उपाय कर रहे हैं। इसमें हम लोग मोमोज रखते हैं, फिर उसके बाद ना हम लोग इसको रख देंगे इस पे, और इसके ऊपर पर हम लोग रखेंगे एक थाली का ढक्कन। तो ये बन गया हमारा पहाड़ी स्टीमर। और अगर हम लोग आगे को ऐसी वीडियो लेते हुए आएंगे, हमें अगर लगेगा कि हमारा स्टीम का काम ज्यादा हो रहा है तो हम लोग ना जल्दी स्टीमर खरीदेंगे। खाने का काम हमारा है और स्टीम करने का काम ना यहाँ पे मिस्टर जी का है। तो परसों भी ना गोलगप्पे वगैरह बनाने का काम देवरानी जी ने किया था, फिर बाकी का जो काम था ना ये कर रहे थे, और आज तो पूरा इन्हीं का काम है। हाँ, मैं फटाफट से स्ट्रीम करता हूँ। हाँ। फिर चैलेंज देखते हैं कौन जीतता है। आपको क्या लगता है? दोनों भी जीत सकते हो, क्योंकि यार कौन दोनों मोस्ट फेमस होते हैं भूमि यार में। हाँ। आज मम्मी रिकॉर्ड भी ले सकते हैं दोनों। आज मम्मी को थोड़ा वो लग रहा है आपको। हम लोग ना मोमोज तो आगे पीछे खाते रहते हैं, जैसे काफी टाइम पहले खा रखे थे, तो हम लोग ना ऐसी चीजें खाते रहते हैं। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा बहुत ना इंजॉय भी करते हैं, कंपटीशन भी करते हैं, और कंपटीशन में ना और भी ज्यादा मजे आते हैं। तो अब फटाफट से मोमोज टीम करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को जल्दी। मोमोज यहाँ पर रेडी है और अभी मौसम ने भी ना हमारा साथ दे दिया है, बारिश रुक गई है। तो अपना फटाफट से गर्मा गर्म मोमोज खाते हैं और साथ में कॉम्पिटिशन भी स्टार्ट करते हैं। चलिए जी कॉम्पिटिशन स्टार्ट करते हैं। और कॉम्पिटिशन में ना सासू जी भी यहाँ पर हमारे साथ भाग ले रही है, और आज ना विनिंग प्राइज ना हम लोगों ने ज्यादा रख दिया है। परसों 1000 रुपए रखे थे और आज ना 2000 रुपए रख लिए हैं। और साथ ही साथ मोमोज का रूल भी बता देती हूँ मैं, आज क्या होने वाला है। तो आज भी हमें ना 1 मिनट का टाइम मिलेगा और हमारे पास यहाँ पे है 20 20
20 मोमोज, यानी कि टोटल 60 मोमोज हमारे पास हैं, और ये तीनों में बटेंगे 20-20 मोमोज। तो एक मिनट में जो सबसे ज्यादा मोमोज खाएगा, ज्यादा चटनी खत्म हुई होगी उसकी, वही आज का विनर होगा। एक बार ना यहाँ पे ना मोमोज के बंटवारे कर लेते हैं, फिर करेंगे कॉम्पिटिशन स्टार्ट। हम लोगों की थाली भी रेडी हो चुकी है मोमोज वाली, अब फटाफट से ना कॉम्पिटिशन स्टार्ट करते हैं। और थाली में है 20-20 मोमोज। और आज ना हमारी सासू माँ बहुत वो लग रही नर्वस टाइप की, क्यों? मेरे को मोमो खाने नहीं है। जबरदस्ती बैठाया हमने। हटो, फिर हम दोनों भी कर सकते हैं। 2000 रुपए मम्मी, 2000 खाओगे? 1000 रुपए के लिए तो खा लोगे? 2000 कहाँ, 1000? हाँ भी, 2000 के लिए। पहले देवरानी जेठानी के बीच में था, और अब ना सास बहु देवरानी जेठानी के बीच में फिर से कंपटीशन होने जा रहा है। और मोमोज और चटनी तो मम्मी ने खा रखी है, लेकिन मम्मी ने ना कभी मियोनीज नहीं खाई थी। ये कैसा होता है बोल? और मियोनीज का ये है ना, कभी ज्यादा मरछाल लगेगी ना, तो बीच बीच में मियोनीज भी चाहिए ना टेस्ट के लिए। और इस कॉम्पिटिशन में ये भी है, चटनी खानी है और मिर्ची लगेगी तो पानी नहीं मिलेगा। हाँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, समझ गए। मम्मी आज क्या लग रहा, कौन जीतेगा? हमें तो लग रहा आज हम दोनों में से जीतेंगे। क्या बता। चलिए जी, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी इंटरेस्ट हो रहा होगा इस वीडियो में कौन जीता करके। और हमारे मुंह में ना पानी आ रहा है, मम्मी का तो पता नहीं, हम दोनों के मुंह में बहुत पानी आ रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद खा रहे हैं। यहाँ पर टाइमर भी लगा दिया है, और टाइमर ना कैमरामैन के हाथों में है, यानी कि मिस्टर जी के हाथों में है। और ये मज़ेदार गेम ना आजकल हमारे बीच में ना मिस्टर जी करवा रहे हैं, तो उसके लिए भी थैंक यू। तो अब स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 मम्मी 3 नहीं बोला है, स्टार्ट भी नहीं बोला है। चलो फिर अब फाइनल कर ही लेते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। मैं तो आराम से खा रही हूँ। मम्मी बोल रहे थे ना तुम्हारे साथ आ जाती हूँ, मैं 1-2 खाऊंगी, ज्यादा नहीं खाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गाया, 9 खा दिए मम्मी ने यहाँ पे आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अब मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक मिनट में मम्मी ने यहाँ पे ना 10 मोमोज साफ कर लिया। और हमेशा तो मम्मी से ये उम्मीद नहीं थी आज, क्योंकि मम्मी क्या बोल रही थी, आज तो मैंने सोचा था मैं जीतूंगी। मैंने भी सोचा ही था यार, कसम से झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मम्मी मोमो ज्यादा खाती है नहीं, और वैसे गोलगप्पे भी नहीं खाती थी, लेकिन खा लिया। और मम्मी क्या बोलती, क्या होते हैं गैस की प्रॉब्लम होती है, मैं नहीं कर रही हूँ पार्टी से, खाए भी नहीं जाते। तुम दो ही करो बोल रही थी ना। अरे मैंने मैंने आज सच में मम्मी आराम से खाए, आराम से खाया तो। चलो ये बारिश आ गई। और सच में बोलूं, आज मैंने सासू जी की ओर नजर ही नहीं डाली, इन्हीं पर डाल रही थी मैं, ये खाते नहीं रहे ज्यादा, ये खाते नहीं रहे ज्यादा, लेकिन सासू जी यहाँ क्या बोलूं, आप खतरनाक ही कर गए। तो गाइस ये है आज की विनिंग प्राइस। तो आज ना मम्मी विनर हुए हैं, लेकिन मम्मी ने हमारे साथ बहुत बड़ी चीटिंग की, तो अब हम भी चीटिंग करते हैं। 1000 रुपए आप रखो, 1000 रुपए हम भी चीटिंग करेंगे, आप तो नहीं खाने वाले थे, तो ना मम्मी को दे देते मम्मी का प्राइस ईमानदारी के साथ। लो, थैंक यू। अब कंपटीशन सासू जी के बीच में नहीं होगा, देवरानी जेठानी करेंगे। हमें भी तो जीतना है, कम से कम कभी ये जीतेंगे, कभी मैं जीतूंगी। तो हम लोगों ने तो खूब सारी मस्ती की, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी हमारी वीडियो देख के ना खूब सारे मजे आए होंगे। बाकी आप लोग भी ना अपनी फैमिली में ऐसे कॉम्पिटिशन करवाते रहिए, जरूरी नहीं है कि ब्लॉगर ही ऐसे कॉम्पिटिशन करवा सकते हैं, आप लोग फैमिली में ऐसे कॉम्पिटिशन करवाए। इससे क्या होता है ना, फैमिली की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रहती है। खाने के तो हम लोग और समय भी खाते रहते
रहते हैं, लेकिन जब हम लोग साथ में मिलजुल कर खाते हैं और बीच में ऐसी मस्ती मजाक होना, तो उसमें ना खूब सारे मजे आते हैं और फैमिली की बॉन्डिंग ना बढ़ते जाती है। आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं अपने डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग में भी और आज कॉम्पिटिशन वीडियो में, परसों की कॉम्पिटिशन वीडियो में भी आप लोगों ने हमारी बॉन्डिंग देखी होगी, देवरानी जेठानी की, सास बहू की। तो हमारे वीडियो देख के ना काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे कि काश हमारी भी ऐसी फैमिली होती, और काफ़ी सारे लोगों को तो कोई मतलब नहीं होता, कोई कैसे भी रहे क्या करना है करके। लेकिन हम लोग सोशल मीडिया पर काम करते हैं और हमारी वीडियोज़ ना हर घर में छोटे बच्चे बड़े बूढ़े सब लोग देखते हैं लगभग, तो सभी लोग ना हमारी फैमिली की तरह रहना चाहते हैं। अच्छी बॉन्डिंग हर किसी के फैमिली में होनी चाहिए, हर कोई सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई परिवार ऐसे होते हैं जो सोचने में रह जाते हैं और कर कुछ नहीं पाते हैं। आप लोग भी उनमें से एक होंगे जो सोचते होंगे बहू आएगी मेरे पास, और कोई बहू ऐसी होगी जो सास आएगी, कोई सोचता होगा देवरानी आएगी, कोई सोचता होगा जेठानी आती होगी। तो हमारी बॉन्डिंग देख के आप लोगों के मन में आता होगा ना, काश हम भी ऐसी रहते, काश हमारा भी ऐसी परिवार होता। तो यार गलती मत करो इतनी बड़ी, और इतना वो भी मत करो खुद पर घमंड कि नहीं मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। एक को तो झुकना ही पड़ता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर आप लोग इस साइड से थोड़ी सी बात करोगे तो दूसरी साइड से भी ना थोड़ी सी बात होगी। तो मैं अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों को यही दिखाना चाहती हूँ कि फैमिली में ना बॉन्डिंग होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम तक ना फैमिली रहती है। बाहर वाले तो कुछ दिनों के लिए आते हैं जाते हैं, लेकिन लास्ट टाइम तक जो हमारा साथ देते हैं ना अपनी फैमिली देती है। तो आप लोग भी ना अपनी फैमिली में अच्छी से अच्छी बॉन्डिंग रखें। थोड़ा आप झुके, थोड़ा आगे वाले झुकेंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ बहुएं झुके, सास को भी बोल रही हूँ, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ सास लोग झुके, दोनों साइड से ना बराबर होना चाहिए। थोड़ा आप बोलोगे, थोड़ा आप बोलोगे, तभी तो आपके बीच में ना अच्छी बॉन्डिंग होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारी वीडियोज़ देख के ना आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती होगी, और मैं ना हर वीडियो के थ्रू आप लोगों को कुछ ना कुछ संदेश देती हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। अगर पहाड़ों में भी काम होता है तो जो बाहर गए हैं इस टाइम पर उनको पहाड़ों की चीज़ें पसंद आती है, तो मैं पहाड़ों के बारे में बताती हूँ। जैसे कॉम्पिटिशन वीडियो में हम लोग ऐसी रहे थे, इनाम और गेम तो अपनी जगह है, वो तो हम लोग ऐसे इंजॉय में कर रहे थे। कभी कभी फैमिली में ऐसे इंजॉय भी होना चाहिए, लेकिन उसके थ्रू एक संदेश मैं आप लोगों को ये देना चाहती हूँ, फैमिली में बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। थोड़ी देवरानी जेठानी में भी होनी चाहिए, थोड़ी सास के साथ भी होनी चाहिए, यानी कि कुल मिला के पूरी फैमिली के साथ ना हमें अच्छे से रहना चाहिए, तब जाके ना एक फैमिली बनती है। आप लोग कमेंट भी करते हो, आप लोग एक परिवार में रहते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है, और आप देवरानी जेठानी ना हमेशा ऐसी रहो, उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अब आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और ये वीडियो अगर आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और उस फैमिली या अपने फैमिली के साथ, अपनी देवरानी जेठानी और सास के साथ शेयर कीजिएगा, तो उन्हें ना मेरा संदेश मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे संदेश को थोड़ा सा मानोगे। बाकी संदेश तो क्या ऑर्डर क्या है मैं अपने थ्रू से बता रही हूँ आप लोगों को, बाकी मानो ना मानो आपकी बात है, अपनी गलती आप लोग अपने हाथों से सुधार सकते हैं। और ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए ना मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन भी साथ में प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको ना जल्दी से जल्दी मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। तो मैं मिलती हूँ आपको जल्दी फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों।